नेताओं की जुबान तो फिसलती रहती है, लेकिन झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन ने तो इस मामले में सारी हदें पार कर दी। अति आत्मविश्वास में आकर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब नहीं रहे, उनकी तारीफ में कसीदे भी गटते रहे। वे यही नहीं रुके, उन्होंने उनकी आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन भी रखा। झामुमो विधायक हफीजुल हसन का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही मंत्री जी की खूब किरकिरी हो रही है। आप भी यह वीडियो देखिए। हिंदुस्तान का शास्त्रीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी आज निधन हुआ, जिन्होंने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में आज जो तरक्की आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में, तो 50% उनका हाथ है। आज तो मोदी जी हिंदुस्तान को 50 साल पीछे ले गए, जो मनमोहन सिंह हिंदुस्तान को 50 साल आगे किए थे, मोदी जी उसको फिर पीछे जहां का तहां लिया। आज उस शख्स का भी निधन हो गया। हम लोग अंतिम में एक मिनट के लिए मौन। दरअसल 15 अक्टूबर को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के मौके पर उनके नाम से एक चौक का अनावरण को लेकर कार्यक्रम रखा गया था। देवघर जिला के मधुपुर स्थित फतेहपुर धमना चौक का नाम डॉक्टर एपीजे कलाम चौक रखा गया था। इसी को लेकर आयोजित कार्यक्रम में झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण, पर्यटन, खेलकूद और निबंधन मंत्री हफीजुल हसन चीफ गेस्ट थे। जब उनको बोलने के लिए माइक थमाया गया तो डॉक्टर एपीजे कलाम के बारे में बोलने के बजाय डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। पिछले दिनों एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री हफीजुल हसन ने माइक फेंक दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार आपके यहाँ आई है, लेकिन आप लोगों ने मजाक बना लिया है। उन्होंने कहा था कि आप लोग एक माइक भी ठीक से नहीं रख सकते हैं। उन्होंने कर्मचारियों को भी कई धमकियां भी दी थी। वो वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।